हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। रिवीजन सीरीज हम लोग लेकर आए थे, सारा का सारा कंप्लीट किए हैं, बस सेकंड लास्ट चैप्टर आपका एडवेंचर है। इसके बाद आपका सिल्क रोड और पूरा बुक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना ही जल्दी सोचेंगे कि रिविजन वगैरह भी सब कुछ, ग्रामर वगैरह, उसके बाद आपका पूरा फ्लेमिंगो, क्या नाम है उसका, स्नैपशॉट बचा हुआ, उसका MCQ बचा हुआ, फिर टेस्ट बहुत, लेकिन टाइम है नहीं, मिले क्लास भी ओपन हो गया तो हमें भी टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी से खत्म करें। चलिए, फिर इकोनॉमिक्स भी है तो उधर भी टाइम चला जाता है ना। उसके बाद चलिए, इसके बाद थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एडवेंचर मैंने कहा तो जोखिम खतरा, तो वैसा कुछ यहाँ पर घटना घटा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसको हम पढ़ें, हम लोग समझिए चैप्टर हटा दिया था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे क्लास 12 में पढ़िएगा थर्ड लेवल चैप्टर में, विस्तार का फर्स्ट ही चैप्टर है, उसमें क्या होता है कि दूसरे दुनिया में चला जाता है, उसका जो कैरेक्टर है चार्ली दूसरे दुनिया में चला जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यहाँ का जो इसके जो मेन कैरेक्टर है ये दूसरे, प्रोफेसर गैतोंडे इनका नाम है, ये दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। इनका एक एक्सीडेंट होता है ट्रक के साथ, उसके बाद वो दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, दूसरे दुनिया का स्टोरी बताते हैं, फिर इस रियल वर्ल्ड में भी आते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। तो राइटर का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो राइटर इनका है द एडवेंचर बाय द जयंत विष्णु, यहाँ पर नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर ये राइटर है इनका, याद रखिएगा। इन फैक्ट साइंस फिक्शन विच इज ट्राइंग टू शो द कन्वर्जन ऑफ द साइंस, क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ द साइंस हिस्ट्री एंड फिलोसफी। यहाँ पे एक बात बोला जा रहा है कि साइंस फिक्शन, फिक्शन में क्या होता है, काल्पनिक, बनावटी, तो वैसा साइंस है जो बनावटी साइंस है, जो कि विच इज ट्राई टू शो, जो कि कोशिश कर रहा है यह दिखाने के लिए द कन्वर्जन ऑफ साइंस हिस्ट्री और फिलोसफी, इसको बदलना, चेंज करना, जो साइंस हिस्ट्री उसको चेंज करना और फिलोसफी समझते दार्शनिक तो उसको चेंज करना। अब कैसे चेंज करना इसमें दिखाया गया है, ठीक। देखिए, इन रियलिटी द थ्री डिसिप्लिन, रियलिटी में तीन सिद्धांत हैं, नेमली आपका हिस्ट्री है, साइंस है, हिस्ट्री और फिलोसफी है, तीन सिद्धांत यहाँ पर हैं, ठीक। हैव टू इम्प्लाई डिफरेंट मेथोलॉजी इंक्वायरी वाइज वाइज द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि वाइज वाइज मतलब कि रूबरू होकर किसी भी सब्जेक्ट मैटर से, तीन ही को हम लोग डिस्कस करते हैं, साइंस को, हिस्ट्री को, फिर फिलोसफी को, दार्शनिक वगैरह को, ठीक है। तो यह तीन मेथड है, किसी के बारे में, किसी की इंक्वायरी करने में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्हीं तीन मेथड का हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टडी करके निकालते हैं, इंक्वायरी करते हैं, यही। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो जाता है, कैसे होता है देखिएगा। तो प्रोफेसर गैतोंडे हैड ए कोलिजन विथ ट्रक, उनके ट्रक के साथ क्या होता है, कोलिजन में टकराव, एक्सीडेंट होता है। एट द टाइम ही वाज थिंकिंग ऑफ कैटेस्ट्रोफी थ्योरी, अब कैटेस्ट्रोफी थ्योरी क्या है ना, इसके हम लोग डिटेल में आगे चल कर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जानिए कि कैटेस्ट्रोफी थ्योरी वही होता है कि से कोई थोड़ा सा चेंजिंग होता है ना, सडन हल्का सा चेंजिंग, तो हम लोग के अंदर माइंड में ज़्यादा चेंजिंग हो जाता है, कुछ पॉजिटिव लेकर ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है, उसी को कैटेस्ट्रोफी थ्योरी बोलते हैं। इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखें मिलेगा। एंड यहाँ पर हाँ ठीक है, चलिए। एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में उसका क्या इम्प्लीकेशन, क्या प्रभाव है, तो कैटेस्ट्रोफी थ्योरी के बारे में यहाँ पर राइटर जो है ना सोच रहे थे, राइटर नहीं, जो यहाँ पर जो एक क्या बोलते हैं एक्टर होंगे या फिर जो यहाँ पर स्टोरी में जो गैतोंडे हैं तीन के बारे में बोल रहा है। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अनदर बॉम्बे, और अपने आप को दूसरा बॉम्बे में, दूसरे दुनिया में पाते हैं, ठीक है ना, विच लुक्ड मोर लाइक इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के जैसा दिख रहा है, पुराना का बॉम्बे, आज मुंबई हो गया ना, क्लियरली बिग इंग्लिश शॉप है, बड़े बड़े दुकान है इंग्लिश के, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फ्लोरिशिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा उन्नति कर रही है, उन्नति कर रही थी, वैसा दुनिया में गए थे। एंड इन दिस, ठीक है, इन दिस डिफरेंट बॉम्बे, जो अलग दुनिया था बॉम्बे, दूसरा दुनिया में चले गए थे। ही वेंट टू द एसेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी इन द टाउन हॉल, टाउन हॉल में एक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है ना। एंड टू रीड सम हिस्ट्री बुक, कुछ बुक को पढ़ें, हिस्ट्री बुक को पढ़ें, इंक्लूडिंग वंस ही हैड रिटन, एक और बुक को पढ़ें जो उन्होंने खुद लिखा था, वो भी एक राइटर थे, कौन, प्रोफेसर गैतोंडे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री वाज हैज़ न्यू इट इन हिज वर्ल्ड, बट पॉइंट वेयर द हिस्ट्री हैज़ चेंज वाज द बैटल ऑफ पानीपत। देखिए, ज़्यादातर जो बुक पढ़े, बुक में जो पढ़े तो सब जानते थे, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द ही न्यू, वो जानते थे, लेकिन वर्ल्ड के बारे में जो हो रहा था वही सब उसमें था, लेकिन पॉइंट कहाँ पे चेंज हुआ हिस्ट्री में, चेंज वाज द बैटल ऑफ पानीपत, जब पानीपत का युद्ध के बारे में पढ़े तो वहाँ पे हिस्ट्री चेंज हो गया, जो कि आज की हिस्ट्री से अलग था। अब कैसे क्या हो, कौन सा पानीपत का बात हो रहा है, पानीपत में तो बहुत सारे युद्ध हुए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़े होंगे, पानीपत फर्स्ट कब हुआ था, 1526 में, एक ठो 1526 में कौन था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, फिर 1556 में हुआ था आपका हेमू और अकबर के बीच में, फिर आपका 1771 में हुआ था, 1771 में हुआ था, मोहम्मद शाह अब्दुल्ला और एक और कौन थे, मोहम्मद शाह अब्दुल्ला और किन के बीच में हुआ था, मराठा के बीच में, हाँ मराठा के बीच में। तो यहाँ पर बैटल ऑफ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का
बात यहाँ पर हो रहा है। या फिर आप ऐसे याद रखिए, अफगान और इनका बीच में हुआ था, अफगान और कौन थे, मराठा के बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो उसी का यहाँ पर बात हो रहा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिला था, क्या हुआ था कि से इन दिस डिफरेंट वर्ल्ड द मराठा हैड वन। अब रियल में जो पानीपत युद्ध हुआ था मोहम्मद साहब दिल्ला जो था और मराठा में जो युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या होता, मराठा हार गया था, हम लोग जानते हैं मराठा हार गया था, लेकिन यहाँ पर आपका मराठा क्या दिखाया है कि मराठा जीत गया, ऐसा उनका दुनिया में जहाँ पे चले गए तो उल्टा दिखा दिया था, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ पूरा हिस्ट्री इनका चेंज हो गया जो वहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, द मराठा हैड नॉट अलाउड टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू एक्सपेंड। और वहाँ पर मराठा जीत गया और मराठा अलाउ नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तुम आगे एक्सपेंड करो, बढ़ाओ अपने कंपनी। ठीक है, इन इनफैक्ट इट इन्फ्लुएंसेस वाज लिमिटेड टू द फ्यू प्लेसेस लाइक बॉम्बे। उसका जो प्रभाव था बॉम्बे कलकत्ता मद्रास तक ही रहा, उसको रोक दिया गया था कि नहीं तुम आगे नहीं बढ़ा सकते हो अपने कैपेसिटी को, इतना ही पावर को इतना ही दूर तक रखो। इंडिया हैड बिकम डेमोक्रेसी, इंडिया कैसे डेमोक्रेसी बन गया था उनको जीतने के बाद, बट अलाउ द ब्रिटिश कैरी टू द कैरी ऑन फॉर द कमर्शियल रीजन। उनको थोड़ा सा अलाउ था कि आप कुछ व्यापार वगैरह कर सकते हैं, किन को ब्रिटिश को, ज़्यादा उनको उन्नति होने का चांस नहीं था, थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह कर सकते हैं। ठीक, प्रोफेसर गैतोंडे वांटेड टू फाइंड आउट हाउ द मराठा हैड ओन द बैटल। अब देखिए ये चाहने लगे कि कैसे वो जीता था बैटल को, तो ये चाहे कि कैसे जीता, तो हार गया था रियलिटी में। ठीक, अकॉर्डिंग टू वन हिस्ट्री बुक, ठीक है, मराठा आर्मी मोरल वाज बूस्टेड। अब मराठा आर्मी का जो मोरल था पूरा बूस्टेड, पूरा उसमें तेजी आया, मोरल समझते हैं इंटरनल ताकत जो होता है। एंड वेन द विश्वास राव मैनेज टू स्केप द डेथ नैरोली। विश्वास राव इन्हीं का जो मालिक था, हेड था मराठा सेना का, तो विश्वास राव क्या हो रहा था, मैनेज टू स्केप डेथ, यानी कि डेथ से बच गया था। अब कैसे बच गया, नैरोली में तो एकदम संकीर्ण रास्ता, पतला, यानी कि बुक में पढ़ेगा तो तिल होता है, तिल, तो तिल इतना एकदम जगह से वह बच गया था, उतना सा मिस्टेक नहीं होता ना तो मर जाते, तो ये बच गए थे। जब वह बच गए तो इन लोग के अंदर पूरा आर्मी जो इनका था उस आर्मी में पूरा जोश देखने को मिला, इन लोग लग रहा अब हम लोग जीतेंगे। ठीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह का हुआ, ही वेंट टू द अस्ट्रोल टू आज़ाद मीडियन, पूरा जो आज़ाद मैदान था वहाँ पे पूरा अस्ट्रोल यानी कि चहलकदमी देखने को मिला अगले सुबह में। ठीक है ना, एंड देयर वाज द, और किसके चहलकदमी, इन्हीं का जो आर्मी थी इन लोग का चहलकदमी होने लगा। ठीक, एंड देयर वाज अ लेक्चर एंड प्रोफेसर गैतोंडे वेंट एंड सेट ऑन द वैकेंट प्रेसिडेंशियल चेयर। अब देखिए वहीं पर जहाँ का बात हो रहा है, तो वहीं पर क्या था, किसे एक लेक्चर होने वाला था किसी का, प्रोफेसर वहाँ पर गए एंड सेट ऑन द वैकेंट प्रेसिडेंटल। देखिए प्रेसिडेंट का चेयर वहाँ पर जो अध्यक्ष थे उनका चेयर खाली था, कहाँ पर, जहाँ पर लेक्चर होने वाला था, तो वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, वैकेंट था खाली था, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं कौन, प्रोफेसर गैतोंडे। ठीक, इट टर्न आउट दैट इन दिस वर्ल्ड द पीपल वेयर फेड अप ऑफ द लॉन्ग स्पीचेज एंड हैड एबुलिश द चेयरमिंग कस्टम। वहाँ पर उस दुनिया में क्या हुआ, उस वर्ल्ड में क्या हुआ ना कि टर्न दैट वर्ल्ड पीपल वेयर फेड अप ऑफ द लॉन्ग स्पीचेस, वहाँ के जो लोग थे उनको लंबे लंबे भाषण सुनने को मिला, किनका भाषण, इन्हीं का, गैतोंडे का भाषण। ठीक है ना, एंड हैड एबोलिश द चेयरिंग कस्टम, वहाँ पे चेयरिंग कस्टम को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि चेयर पर्सन का सीट खाली था, इसीलिए गुस्सा हो गए और पूरा भाषण लंबा लंबा देने लगे, इनके ऊपर लोग आलू टमाटर वगैरह फेंक कर इनको मारने भी लगा था, लेकिन ये नहीं रुके थे, बोलते ही रहे थे। दे गोट एंग्री बिकॉज प्रोफेसर वुड नोट क्या है, स्टॉप टॉकिंग, यानी कि बात करना वह नहीं रुके, तो सब लोग वहाँ के गुस्सा हो गए कि ये चढ़ के स्टेज पर भाषण दे रहा है ऐसे ऐसे, तो वहाँ के लोग गुस्से हो गए थे इनके ऊपर। ठीक है ना, एंड दे थ्रू द थिंग्स एट हिम, देखिए उनके ऊपर सब लोग सामान फेंकना चालू किया, एंड देन गोट ऑन टू द स्टेज एंड थ्रो हिम आउट। और फिर लोग क्या किए कि स्टेज पर चढ़ के उनको वहाँ से स्टेज से उठाकर फेंक दिया कि भागी यहाँ से भाषण दे रहा है इस टाइप से। एंड सडनली प्रोफेसर गैतोंडे वेनिस, अचानक क्या होंगे प्रोफेसर गैतोंडे क्या होंगे, वेनिस में समाप्त हो जाना, खराब, मतलब वो गायब हो गए वहाँ से, उनको सब फेंक दिया बाहर। एंड ही वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान, फिर अपने आप को कहाँ पाए थे वो, आज़ाद मैदान में पाए। ठीक है ना, एंड हिज ऑन फेमिलियर वर्ल्ड, अब कौन आज़ाद मैदान है, नया आज का वर्ल्ड में वो आ गए थे। ठीक है ना, एंड वेयर हैड बिन फॉर द टू डेज, अब इनसे कोई सवाल बोलता है कि तुम दो दिन से कहाँ थे, कौन, ही शो द आर डी द प्रूफ दैट ही हैड बिन समवेयर इल्स एंड नॉट जस्ट इमेजिंग थिंग्स। अब देखिए यहाँ पर इनसे सवाल किया जा रहा है, यहाँ पर जो आर डी देख रहे हैं, आर डी राजेंद्र देश पांडे, इनका फुल फॉर्म है, तो आर डी जहाँ जहाँ आया तो अब याद रखिए राजेंद्र देश पांडे, तो राजेंद्र देश पांडे इनका फ्रेंड ही थे, तो इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से दो दिन थे, हॉस्पिटल में मिलते हैं इनसे, इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट में खो गए थे, तो पूछते दो दिन से तुम कहाँ थे, तो ही सो, तब यही प्रोफेसर गेंद्र ने उनको दिखाते हैं क्या प्रूफ, दिखाते हैं कौन सा प्रूफ, दैट ही हैड बीन समवेयर इल्स, बोले हम कहीं चले गए थे, एंड नॉट जस्ट इमेजिंग, और केवल सपना में नहीं, केवल ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, प्रूफ दिखाएंगे, द टोर्न पेज ऑफ द हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री बुक का एक फटा हुआ पेज अपने पास रखे थे,
जो लाइब्रेरी में गए थे बुक पढ़ने, तो वहाँ से एक बुक रखे थे, ठीक ना, फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, दूसरा वर्ल्ड से, तो ही दिखाते कि देखो प्रूफ है यहीं पे हम गए थे। अबाउट द विश्वास राव स्केपिंग डेथ, उसमें लिखा हुआ था कि विश्वास राव कैसे डेथ से बच गया था। ठीक, इन दिस बुक इन हिज ओन वर्ल्ड, अब इनका जो अपना वर्ल्ड है, तो यहाँ के बुक में भी इस बात लिखा हुआ था, अकाउंट वॉज गिवेन हैज बिंग भी बिंग हिट बाई द बुलेट एंड डाइंग। देखिए इसके बुक में भी लिखा हुआ था, इनका जो बुक था इसमें क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो भी है, भी से विश्वास सराव को दिखाएगा, ठीक है ना। तो इन हिज बुक इन दिस वर्ल्ड, आज के जो बुक है इस वर्ल्ड में, तो इसमें क्या था, द अकाउंट वॉज गिवेन एज भी बिंग हिट बाई द बुलेट एंड डाइंग। इसमें क्या था कि उनको बुलेट से मारा गया, वो मर गए, ठीक है ना। उसमें क्या था कि बच गए थे पहले का पुराना का वर्ल्ड में, ठीक। सो इन आवर वर्ल्ड, आज का वर्ल्ड में, हम लोग का वर्ल्ड में, अब यहाँ पे बात करेंगे आरडी के, तो आरडी पुणे में थे, तो ट्रेन से स्टार्टिंग में बात करें, ट्रेन से कहीं जा रहे थे, ट्रेन से क्या नाम है इनका, बीस क्या प्रोफेसर गए थे, ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो बोले कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इसके बाद फिर हम आएंगे रिटर्न, तो आरडी को सब कुछ बताएंगे कैसे कैसे हिस्ट्री में क्या हुआ था पूछेंगे, तो वही आरडी इनका फ्रेंड ही है एक तरह से, ठीक। तो वही अब आरडी आज कल दुनिया में देखता था, यहाँ तो मर गए थे, ठीक। सो इन आवर वर्ल्ड, तो करके हमारे वर्ल्ड में द मराठा हैड नॉट वन, हमारा वर्ल्ड में एक और बात है कि मराठा नहीं जीता था, तुम्हारा वर्ल्ड में मराठा जीत गया था। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी हैड नॉट फ्लोरिस्ट एंड सो, ईस्ट इंडिया कंपनी भी फ्लोरिस्ट उन्नति नहीं किया, तो उसको बंद कर दिया गया था, मतलब कि बंद क्या बोलते हैं 1857 के बाद, तो यहाँ पर उल्टा देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, और थ्रू डिस्कशन के जरिए क्या हुआ, प्रोफेसर गैतोंडे एंड राजेंद्र देशपांडे आरडी केम टू द कंक्लूजन दैट देयर कुड बी मैनी डिफरेंट वर्ल्ड, इन लोग ऐसे कंक्लूजन में आते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट वर्ल्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड एक सेकेंड, ठीक है, अलग अलग वर्ल्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग समय में अलग अलग वर्ल्ड हुए होंगे, इनको ऐसा सोच में आता है कि अलग अलग वर्ल्ड थे, ठीक। एंड दे कुड ऑल हैव डिफरेंट हिस्ट्री, और सारे के अलग अलग हिस्ट्री हुए होंगे, ठीक है ना, सारे के अलग अलग हिस्ट्री थे और सारे अलग अलग वर्ल्ड भी हो सकते हैं, तो इस हिसाब से कंक्लूजन कर रहा है। एंड प्रोफेसर गैतोंडे हैड बीन अनदर वर्ल्ड, अब ये उनके पास एक दूसरा वर्ल्ड उनके पास था, गैतोंडे के पास, तो ये भी बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ठीक है, इन लोग गेस कर रहा है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग वर्ल्ड होगा, सभी का हिस्ट्री अलग होगा, सब पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो तुम दूसरे दुनिया में चले गए थे, तो इनके बता रहे हैं यहाँ पर। एंड द टाइम वाज द प्रेजेंट बट देयर हिस्ट्री वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, टाइम तो ही प्रेजेंट का है लेकिन सभी का हिस्ट्री अलग अलग है, जितने भी वर्ल्ड में देश में अलग अलग जो वर्ल्ड बन रहा है। एंड द स्टोरी ऑफ एडवेंचर वाज द जयंत विष्णु नर्लिकर इज इन फैक्ट द साइंस फिक्सन, यही देखिए साइंस फिक्सन के बारे में, बनावटी साइंस के बारे में बात हो रहा है, विच वॉज ट्राइंग टू शो द कन्वर्जन ऑफ द साइंस हिस्ट्री एंड फिलोसफी, जो कि कोशिश कर रहा है साइंस हिस्ट्री को कन्वर्ट करना, फिलोसफी को चेंज करना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही समय में अलग अलग वर्ल्ड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है। इन रियलिटी द थ्री डिसिप्लिन नेमली साइंस हिस्ट्री एंड फिलोसफी हैव टू बी इम्प्लॉयड डिफरेंट मेथोलॉजी टू इंक्वायरी वाइज द सब्जेक्ट मैटर, जो देखे थे कि हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग मैटर होता है। तो कुछ इस टाइप से हर स्टोरी यहाँ पर है, स्टोरी क्या मतलब फिक्शन बना के रियलिटी में तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन यही था थोड़ा बहुत बताएं, बाकी हम लोग एमसीक्यू से इसको रिकॉल करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए और एक और बात, यहाँ पर जो कुड देख रहे हैं, तो अलग अलग हो सकता था पास्ट में, कुड में हमेशा था नहीं होता, कुड का मतलब बहुत, इसका यूज अलग अलग होता तो होगा, ठीक है ना। इस यहाँ पर मतलब पास्ट में बीता हुआ चीज़ के बारे में बोल रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा था नहीं, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, यहाँ पर उड का सेंस होता है गा, लेकिन यहाँ पर कुड कभी गा, उड कुड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट हिंदी मिलाएगा तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सेंस मिला, सेंस से हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक मॉडल का बहुत यूज होता है ना, तो पास्ट को मॉडल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हम लोग को, मॉडल से आप सिलेबस में तो है भी। चलिए, तो और लाइन से सेंस अलग उसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। चलिए एडवेंचर, इसका एमसीक्यू देख लीजिए, फर्स्ट ही सवाल क्या है, वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड टनल। अब देखिए क्या बोले, ट्रेन से जा रहे थे, देखिए उसको बताया तो मिल रहा है ना, तो ट्रेन से ट्रेन कहाँ पे रुका हुआ था, लाइन वाले जब पढ़े होंगे तभी क्लियर होगा, ठीक है ना। स्मॉल टाउन कॉल्ड अमेर, स्मॉल टाउन कॉल्ड क्या है, सरहद, यहीं पे रुका हुआ था, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए सेकंड देख लीजिए, व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट द बोथ वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड के बारे में आप क्या नोटिस किए, ठीक है। बोथ वेयर सेम, दोनों सेम थे, बोथ वेयर डिफरेंट यूनिवर्स, दोनों का अलग अलग वर्ल्ड था, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट हिस्ट्री एंड डिफरेंट सेट ऑफ इवेंट्स, अलग अलग हिस्ट्री थे और अलग अलग घटनाएं का यहाँ पर सेट किया हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर देख लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। व्हाट हैपेंड वंस द ऑब्जर्वर नो अबाउट द करेक्ट प्लेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैली वर्ल्ड, यानी कि जो एवरी वर्ल्ड, यानी कि जितने भी संसार हैं, तो आप क्या अलग अलग संसार का अलग अलग बता रहे हैं, तो अलग अलग संसार में अगर एक्यूरेट प्लेस हम लोग जान जाएंगे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का हम लोग एक्यूरेट पोजीशन नहीं जान पाते। साइंस से पढ़ेंगे तो क्या क्वांटम अलग अलग निकलता है, एक्यूरेट पोजीशन नहीं निकल पाता, रेडियस भी एक्यूरेट नहीं निकलता। तो वही करके व्हाट हैपन मीन्स द ऑब्जर्वर नो अबाउट द करेक्ट प्लेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, का करेक्ट प्लेस जान जाएगा हर एक वर्ल्ड में तो क्या होगा। अल्टरनेटिव वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में अलग अलग वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा होगा। द ब्लैक होल कैन बी क्रिएटेड, न्यू कंपाउंड ऑब्जर्व, न्यू सबस्टांसिस कैन बी क्रिएट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट है कि अलग अलग वर्ल्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही टाइम में, जब हम लोग एक्यूरेट प्लेस जान जाएंगे तो यहाँ पर आएगी। ठीक, व्हाट हैपन वेन टू मराठा रियलिटी, रियलिटी में मराठा का क्या हुआ था, रियलिटी में मराठा क्या किया था, हार गया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, जीत गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, यहाँ पर देख लेते हैं द लॉस्ट। रियलिटी में मराठा हारा था, मोहम्मद शाह अब्दुल्ला और इनके बीच में था। इसके बाद विच थ्योरी, ठीक है, विच थ्योरी वाज एक्सप्लेन बाय द राजेंद्र सेट्स, राजेंद्र स्टेट्स बताते हैं किसके बारे में, दैट ए स्मॉल चेंज इन एनी सिचुएशन, देखिए कोई भी सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज होगा, कैन रिजल्ट इन ए शिफ्ट इन बिहेवियर, तो थोड़ा सा चेंज होने में बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो कौन सा थ्योरी था, हम लोग पढ़े थे बुक में, कौन था, असमरी में पढ़े थे, कैटेस्ट्रोफी थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, कैटेस्ट्रोफी थ्योरी, थोड़ा सा चेंजिंग बिहेवियर, बहुत ज़्यादा चेंजिंग। वही विश्वास राव थोड़ा सा बच गए थे, एकदम तीन भर स्पेस के कारण बच गए थे, तो मराठा में पूरा जोश आ गया था, पूरा सब एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गया था आर्मी उसका। ठीक है, तो वही वहाँ पर था। ठीक है, चलिए, होम डिड द प्रोफेसर मीट एट हॉस्पिटल, किसे मिले थे, राजेंद्र देश पांडे। ठीक है ना, हॉस्पिटल तो राजेंद्र पूछते तो दो दिन से कहाँ थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट होगा। चलिए, सेवन नंबर, हाउ डिड द क्रॉड रिएक्ट वेन ही सेट ऑन द एम्प्टी प्रेसिडेंट चेयर, देखिए वहाँ पर बैठ गए थे, खाली जो चेयर था प्रेसिडेंट थे उस पर जाकर और बैठ गए थे, तो वहाँ पर जो भीड़ था, भीड़ कैसे रिएक्ट किया था, तो उसके बारे में को बताना है। तो थ्रू सेवरल ऑब्जेक्ट एट हिम एंड पुश हिम अवे, मिल गया आंसर, मिल गया, आस्क हिम टू लीव पोलाइटली, हर्ड हिज स्पीच एंड डिड नॉट नथिंग बट इग्नोर हिम, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए, व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द लेक्चर गोइंग ऑन इन द पंडाल, व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द लेक्चर गोइंग ऑन इन द पंडाल, पंडाल में लेक्चर चल रहा था वहाँ पर, तो क्या हुआ, क्या हुआ, नोटिस किया था प्रोफेसर। ठीक है ना, तो वहाँ पे एम्प्टी था क्या, किस किन का चेयर, देर वॉज नो क्राउड, भीड़ तो थे, प्रेसिडेंटियल चेयर वाज एम्प्टी। ठीक है ना, वहाँ पर भाषण चल रहा था तो प्रेसिडेंट का चेयर एम्प्टी था, वही यहाँ का रूल था, जो स्टार्टिंग में जो समरी में बताया भाषण, तो वहाँ भाषण कोई और दे रहा था, ये तो बाद में जाकर भाषण देने लगे थे, इनसे लोग गुस्सा हो गए तो इनको फेंक दिया था उठा के, पहले से भाषण वहाँ पर चल रहा था और एम्प्टी इनका प्रेसिडेंट का चेयर खाली था, इसी पर वह बोले थे इनको हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर देखिए बुक में रिटर्न लिया है, देखिए फेड अप लॉन्ग स्पीचेस एंड एबुलिश द चेयरिंग कस्टम, वही लंबे लंबे भाषण लोग सुन रहे थे और चेयर पर्सन खाली था, तब ये जाके अपना भाषण, दे गोट एंग्री बिकाउ द प्रोफेसर उड, तब प्रोफेसर अपना बोलने लगता था, लोग गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे हम बता दिए थे कि सिर्फ स्पीच जो दे रहे थे वो प्रोफेसर, लेकिन नहीं, यहाँ पर पहले से कोई स्पीच दे रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, वो भी स्पीच देते हैं, बाद में जाकर देते हैं, तो उनको फिर वहाँ से उठा कर सब फेंक देता है। नाइन्थ नंबर, ठीक है, चलिए, व्हाट बुक, देखिए आगे पीछे पढ़ने से पीछे का रिकॉल हो जाता है, व्हाट बुक डिड द प्रोफेसर स्लिप इनटू हिज पॉकेट बिफोर लीविंग द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में गए थे तो कोई बुक अपने पैकेट में रख लिए थे, तो कौन था, भाकर का। ठीक है ना, भाकर इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पर न्यूज़पेपर और मनी, तो क्या है, भाकर ये राइटर है, तीन का बुक रख लिए थे, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, भाकर है, भाकर। ठीक है, या व्हाट हैपन आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन इंडिया, उसमें क्या हुआ था, इट इमर्ज विथ द नेबरिंग नेशंस, इंडिया मूव इन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, न्यू रूल या ब्रिटिश इंडेड, तो क्या होगा, मराठा तो हार गया था और हम लोग भी देखे थे कि क्या होता है, डेमोक्रेसी, इंडिया मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, रियलिटी में बात हो रहा है भारत में, तो मराठा हारे थे, तो मराठा हारने के बाद जो राज साम्राज्य था, राजा वगैरह, तो धीरे धीरे कम होने लगा था और डेमोक्रेसी की ओर लोग बढ़ने लगे थे। ठीक है, व्हाट डिड द प्रोफेसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पर क्या खोजने लगे थे, जहाँ पर गए थे टाउन हॉल वहाँ पर रुक, लाइब्रेरी में इंटर किए थे ना एक रूम में, वहाँ पर तो प्रोफेसर वही गए थे, उन्होंने क्या स्टार्ट करना चालू कर दिए थे, अमेरिकन हिस्ट्री, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना, द पीरियड ऑफ अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना, एंड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अशोका के बारे में पढ़े थे, फिर एक और राजा उसके बारे में पढ़े थे, फिर पानीपत के बारे में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किए थे, इन्वेस्टिगेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ठीक है, टाउन हॉल लाइब्रेरी में, तो सी करेक्ट है। चलिए, इसके बाद होम डिड द प्रोफेसर गैतोंडे इंक्वायरी अबाउट इंटरिंग द फॉरबिस बिल्डिंग, फॉरबिस बिल्डिंग में रुके थे,
वहाँ पे इंक्वायरी एक लेडी थी, तो लेडी से बोले थे, पूछे थे कि इनके बारे में। तो यहाँ पे याद रखिएगा गैतोंडे तो ठीक है, मिस्टर विनय गैतोंडे, ठीक है, मिस्टर विनय गैतोंडे इनका लड़का है, तो लड़का के बारे में पूछ रहे थे कि यहाँ मेरा लड़का है कि नहीं, ठीक ना, इस बिल्डिंग में जाकर। तो बोलते यहाँ पर आपका लड़का है ना, क्योंकि दूसरा दुनिया था, तो दूसरा दुनिया में तो इनका लड़का रहेगा नहीं, तो विनय गैतोंडे के बारे में पूछ रहे थे गैतोंडे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए काफ़ी डिटेल में एमसीक्यू भी हो गया, रिकॉल भी हो गया, जो भी स्टोरी था अप्रोक्स आपका 80% तो समझिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी 20 के लिए टेस्ट सीरीज में कंप्लीट कर देंगे, या फिर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपका कंप्लीट ही होगा, ठीक है। चलिए तो टेंशन लेना नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।